नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आप पोस्ट ऑफिस की रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम में आरडी में 100 रूपये से लेकर 50,000 रूपये तक मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा या कितना ब्याज आपको वापस मिलेगा 5 साल के बाद। तो पोस्ट ऑफिस की जो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है वो 5 साल की होती है। इसमें आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट जमा करानी होती है। पोस्ट ऑफिस की आरडी के बारे में अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं, टाइम से पहले अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं, आरडी अकाउंट को बंद करना चाहते हैं या कोई भी ऐसी हिडन बातें जो कि पोस्ट ऑफिस की आरडी में होती है, तो उन सब के लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की है, वो आप देख सकते हो और उसमें मैंने सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से कवर की है। इस वीडियो के एंड में भी मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां क्लिक करके भी उसको देख सकते हो। अगर आप वो वीडियो देखेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट के बारे में तो आई एम श्योर कि आरडी से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 5.8% रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का पोस्ट ऑफिस। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है और हर 3 महीने के बाद या तो ये चेंज हो सकते हैं या हो सकता है कि सेम ही कंटिन्यू रहे। ये जो क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स के, गवर्नमेंट स्कीम्स के, स्मॉल सेविंग स्कीम के रहे। इसके अलावा इंडिया में जितने भी मेजर बैंक्स हैं उन सबके फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ। कोई भी ऐसी फाइनेंशियल न्यूज जो कि किसी भी कस्टमर को अफेक्ट कर सकती है, प्रभाव डाल सकती है, वो सब भी मैं अपने चैनल पे कवर करती हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है या वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहेगी। तो शुरू करती हूँ पोस्ट ऑफिस की आरडी की कैलकुलेशन की 5 साल के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा अगर आप 100 रूपये से लेकर 50,000 रूपये तक के बीच का अमाउंट हर महीने जमा कराते हो पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट में। ये आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ मैंने पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट के रिटर्न्स दिखाए हैं। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 तक लागू है। तो 1 अक्टूबर 2020 से हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये चेंज हो जाए। तो जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे, तो उस टाइम का इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कर ले और हो सकता है कि टीडीएस या टैक्सेशन भी उस टाइम बदल गया हो, वो भी जरूर चेक कर ले। 100 रूपये की अगर आप आरडी खुलवाते हैं तो कितना मिलेगा, 6,970 रूपये। अगर आप 500 रूपये की आरडी खुलवाते हैं तो आपको मिलेगा 34,848 रूपये। अगर आप 1,000 रूपये की आरडी खुलवाते हैं तो आपको मिलेगा 69,697 रूपीज। अगर आप 2,000 रूपीज की आरडी खुलवाते हैं तो आपको मिलेगा 5 साल के बाद 1,39,395 रूपये। अगर आप 3,000 रूपये की पोस्ट ऑफिस आरडी खुलवाते हैं तो 5 साल के बाद आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मिलेगा 2,09,093 रूपये। अगर आप 4,000 रूपये के आरडी खुलवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको 5 साल के बाद मिलेगा 2,78,791 रूपये। अगर आप 5,000 रूपये की आरडी खुलवाते हैं तो 5 साल के बाद आपको मिलेगा 3,48,489 रूपीज। अगर आप 10,000 रूपये की आरडी खुलवाते हैं, हर महीने 10,000 पे करते हैं 5 सालों के लिए, तो 5 साल के बाद आपका जो टोटल पेड अमाउंट है जो आप दे चुके हैं वो होगा 6 लाख रुपीज और जो 5 सालों के बाद मिलेगा आपको मिलेगा 6,96,978 रूपये, 6,96,978 रूपीज। 25,000 के अगर आप आरडी खुलवाते हैं तो आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 5.80% के हिसाब से 5 सालों के बाद आपको मिलेगा 17,42,444। अगर आप 50,000 रुपीज पर मंथ पे करते हैं 60 मंथ्स के लिए तो 5 सालों के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 30 लाख रुपए पे करने के बाद टोटल में 34,84,890 रुपीज मिलेगा। और क्वार्टरली जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी मैंने इसमें जोड़ा है। तो लेकिन हो सकता है कि 100 से 200 रुपए का आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस भी कहीं कैलकुलेशन में देखने को मिले जब आप पोस्ट ऑफिस आरडी बुक करें या जब आपको फाइनली पैसा मिलता है। तो ये आपका अमाउंट होगा 100 रुपए से 50,000 की आरडी करने पे पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉन फ्रेंड्स फैमिली मेंबर भी इसको देखें तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।